हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल ने सारे ने? उम्मीद है तुसी सारे ठीक होवोगे। सो अज एक होर नवे सफर की शुरुआत मैं करन जा रहा हाँ। सो दुबई दे विच तां तुहानू बहुत घुमाया, अज मैं दुबई तो बाहर जा रहा हाँ। सो अज आपां जा रहे हैं जी आबू धाबी। सो अज तुहानू घुमावांगे आबू धाबी का एरिया। आबू धाबी जिहड़ा एरिया वह हैगा जी दुबई का कैपीटल। सो फस्ट टाइम मैं जा रहा उत्थे, सो देखते हैं की है उत्थे दा माहौल। सो आओ चलते हैं। सो बहुत वधिया लग रहा अज मैनू उत्थे जा के, क्योंकि मैं बड़े टाइम तो सोच रहा उत्थे जाण दा, क्योंकि मेरे फादर साहब भी उत्थे काम करदे सी पहलां, उदों मौका नहीं मिलिया। सो अज मेरे को टाइम सीगा, सो मैं जा रहा। सो आज चलते हैं जी आबू धाबी ते दिखांदे आ तुहानू उत्थे दा रौनक मेला। तो सवेरे सवेरे आउंदे एक नवा कांड हो गया, बस में पंचिंग किया लेकिन बस में सीट नहीं सी, तो इस करके उन्होंने हम सानू वो बस चो कढ़ दिता। हूँ अगली बस चो बैठा नाल मेरे भाजी हुणी भी है पंजाब तो, ये भी जा रहे थे आबू धाबी, नाल भी कढ़ दिता बाहर, कहिंदे तुसीं अगली बस च जायो क्योंकि दो घंटे का सफर खड़े होकर तो जाया नहीं जाता, क्यों भाजी? हाँ दूसरी बस जावे, पता नहीं मैंने है, चलो साढ़े पंजाबी भरा मिल गए इन्हों पता है। सो देखते हैं अगे की बनता। सो हूँ अभी बैठे हाँ, हूँ सानू बिठाओगे दूसरी बस में। हाँ जी दोस्तों, सो अज का जोड़ा सफ़र साढ़ा बस से शुरू हो रहा जी, तो देखते हैं किन्ना टाइम लाता। सो पहला सफ़र है मेरा लोंग रूट की बस में आबू धाबी, देखते हैं की बनता। सो दोस्तों मैं सफ़र की शुरुआत कर ली है जी, बस चल पई है हूँ आबू धाबी नू, बाय बाय दुबई, शाम को मिलते हैं। सो दुबई तो पहली बारी मैं बाहर जा रहा जी अज। सो यह हैगा इबन बतूता बस स्टैंड ते मेट्रो स्टेशन, इतों मेरी सफ़र की शुरुआत हो गई है। सो जी ये बस हैगी लोंग रूट की बस है। सो देखो नाले आप सारा माहौल देखते जाना रोड के उत्ते। और लोंग रूट के उत्ते बस जाने का अपना ही नज़ारा होंगे। हूँ देखो कि सोहना बार दिख रहा, पता चल रहा जी दुबई दी सड़क देखो, आले दुआले पार्क बनाईया है। सो आ सामने जो इधरला एरिया पूरा इधरले पासे हैगा जी ग्लोबल विलेज, ये पूरा ग्लोबल विलेज का। सो ये जिहड़ा नज़ारा है तुसीं बस के देख सकते हो। सो देखो फाउंटन लगे हुए आ, एक मतलब कि वधिया चीज़ बनाई है। ये मेरा रोड है, मेन रोड है शेख जायद रोड, ये जाता सीधा आबू धाबी। सो दोस्तों मैं बिल्कुल पहुँच गया, लग गई हाँ हूँ आबू धाबी के। सो आ देखो रास्ते में ये आ रहा जी इतिहाद रेल। इतिहाद रेल दुबई के फस्ट रेल गड्डी हैगी जी इन्होंने बनाई हैगी। सो ये पुल हैगा, ये चालू हो चुकी है, थोड़ी अद्धी बन चुकी, अद्धी बनती पई है। सो ये भी एक इन्होंने वड्डी एक अचीवमेंट हासिल की इन्होंने दुबई वालिया ने। सो बस दे विच देखो तुसीं साढ़े जिहड़े पंजाब दीआं बसां उत्ते तां फिल्मां ही लैण लगदे आ। सो आ सामने एल ई डी लगी हैगी आ बस दे विच। सो इहदे विच तुसीं देखो पसेंजर वास्ते, मतलब कि उन्होंने पूरा मैं रास्ते विच देखदा पिया सेफ्टी दे, उह दिखांदे पिया किद्दां सेफ्टी तुसीं चढ़ना, किद्दां उतरना, जिद्दां साडियां मतलब कस्टमर की सेफ्टी वास्ते हुंदा सारा कुछ। सो इहदे उत्ते दिखांदे वी आ तुहाडा मतलब कि जिहड़ा किन्ना किहड़ा स्टेशन आने वाला सारा कुछ इहदे विच दिखाया जांदा। सो इह वी बहुत वधिया, देखो अगर प्रॉब्लम है तां तुसीं पुलिस नूं वी 99 ते कॉल कर सकदे हो। सो मिनट मिनट बाद तुहानूं दस्सी जाणा भी तुसीं कित्थे पहुँच गए। सो मेरी डैस्टिनेशन भी आने वाली है, सो देखो स्क्रीन ते दिखाना तुहानूं हुण इन्हां ने। सो देखो आबू धाबी, सो मैं जाना हैगा जी आबू धाबी शमसा विले, सामने दिखा रहे हैं ना स्टेज स्क्रीन ते। सो ये चीज़ा दुबई में ही पॉसीबल। दोस्तों बस चो मैं उतर गया, सो बस चली गई है सामने, हुण मैं वेट करूँगा अपने दोस्त मनी दी जिहदे नाल मैं अज घूमना हैगा। आ जाओ महाराज, की हाल ने? लो जी साडे भरा आए ने मणि मुडली जी, अज सानू घुमाउणगे आबू धाबी दा एरिया। हाँ जी बाजी की हाल ने सा महाराज? पहुँच गए हैं और किदा वधिया, ठीक ठाक, लेट तां नहीं होए? हाँ जी दोस्तों की हाल ने जी, आ देखो आया शहजादा अज, ते अज आपां घुमावांगे तुहानू आबू धाबी। सो मणि बाजी की हाल ने, होर सुनाओ सीधा किदा वधिया? बहुत वधिया लगा जी यार, तू मैनू इनवाइट किया आबू धाबी। सो मैं भी काफ़ी टाइम तो सोच रहा सी आबू धाबी आउण लई। सो भरा मैनू लैण आया, तो साडी लग्जरी गड्डी इधर खड़ी है जी, आ देखो तलाबाद वाली, लेकिन आप इतने अच्छ घूमेंगे तो देखते हैं अच्छ की हिसाब है। लग्जरी गड्डिया भी आने मुश्किल नहीं है। सो बहुत वधिया अज मणि दे नाल घूमेंगे। सो
सो दोस्तों दुबई दे विच मैं पहली बारी बाइक दे उत्ते सफ़र कर रहा हाँ। सो जिहड़ा बाइक दा सफ़र थोड़ा जिहा मुश्किल हुंदा आ क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी आ, लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाना अज। सो नाल मेरे मनी है। सो अज दा सारा सफ़र है जी आप बाइक ते ही कढ़ना हैगा। सो एक चीज़ भी एक आदा भी अपना एक डिफरेंट ही नज़ारा है। सो हैलमेट लेना पैंदा, हैलमेट बड़ा जरूरी है। सो इस करके सेफ्टी हुंदी अपनी। तो बाकी अगे देखो तुसी आ सारा रोड हैगा आ, देखो बिल्कुल मेन रोड दे उत्ते आ। सो इहदे उत्ते मेन रोड ते बाइक ते चक्कर इह आ वी जिन्ने दा रोड हुंदा उन्नी स्पीड ते जाणा पैंदा। सो बाइक ते थोड़ा रिस्की ते हैगा, लेकिन चलो एक अलग ही एक्सपीरियंस हो गया अज। लो जी पहला आप खावे रोटी, फिर उस तो बाद जावे अगे। हाँ जी मणि साहब की हाल ने थोड़े? हाल चाल बढ़िया। सो किवें चल रहा थोड़ा दुबई के विच काम कार? सो अज अच्छा किदा वे पंजाब की किदा याद आँदी कि नहीं? तुम तो वैसे भी हम छुट्टी जा के आए ना, घट ही आनी होनी है। अच्छा अच्छा लो जी अज पहला हूँ खावे पहला आप रोटी, फिर उस तो बाद चलते हैं अगे दिखाते हैं तुहानू दुबई अबूधाबी दी रौनक। अज अज सानू मणि करूगा गाइड पूरा, ये इतने घूमता रहिंदा। मैं तो पहली बार आया, क्यों तो घुमाओगे ना फिर अज कि लोकेशन? चलो सही है। बाकी जो किसी होर ब्लॉगर ने आना हो तो मैं नंबर दे दूंगा, इनू फोन करो। बाइक दे घूमो ये असी खाना खा लिया तो हूँ आप चले है जी अगे। तो सफ़र थोड़ा लंबा है, लेकिन बाइक की स्पीड चेक करूँगा, मतलब चेकिंग करूँगा क्योंकि पीछे ना फाड़ नहीं हो रहा मोबाइल, तो बाइक की स्पीड चेक करूँगा। तो है 125 तक गया है, तो इन्नी इन्ना डर लगता है ना पीछे बैठे में। तो बट ये चक्कर यह हूँ जिन्ना ये रोड के जिनी स्पीड हैगी उन्नी स्पीड से दोस्तों बस हम पहुँचने वाले जी मस्जिद को। तो आ रहे जी मस्जिद का एरिया बहरला, हम पहुँच गए आप। तो बस हूँ आप बाइक थले ला के पार्किंग के फिर आप अंदर जावे। जो आप आए हैं ना बाइक के उत्ते, मैं तो सच्ची डर गया पीछे। 180 की 120 की स्पीड के आया तो डेली चला दा, देख लो यार इन्नी तेज़ कि चला लगा तू बाइक। बट मैं डर गया यार पीछे बैठा बैठा। सो आ जाओ आप तुम दिखाने अज इतने अपने अबूधाबी का पूरा रौनक मेला। सो मस्जिद है जी आप पूरा दिखावे नाल मेरे मनी अज। सो ये आप पूरा दिन अज इतने स्पेंड करा, तुम होर भी लोकेशन दिखावे अबूधाबी दी। चलो जी लैस दोस्तों असी पहुँच गए हैगे हाँ। सो असी बाइक जी पार कर दी है पार्किंग के थले। सो उपर आते ही है बहुत सारा बड़ा मॉल हैगा, देखो मॉल भी बनाया हुआ। सो पहला हूँ तुम आप बहरला एरिया दिखावे, फिर आप अंदर आते हैं, फिर अगे तुम दिखाते हैं होर भी।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਆ ਘੈਂਟ ਵਿਊ ਆ ਜੇ ਆਣਾ ਘੁੰਮਣ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੁਬਈ ਆ ਇਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਿਲੋ ਮਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਸੋ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਪਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰਚੀ ਸੋ ਆਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਮਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸ ਸੋ ਮੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਲਓ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਹੁਣ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਪਾਸ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਥੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਸਤਾ ਆ ਮੌਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪੂਰਾ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਲੇਕਿਨ ਐਂਟਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਬੈਲਟ ਬੁਲਟ ਕਢਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸਕੈਨ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੋਪ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸੋ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ
सो मस्जिद के जो कुछ होंगे सारा कुछ इन्होंने इतने लाया। सो देखो आखो बच्चों का भी है, सो होर भी आ जो इतने जो 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 भी इतने मतलब कि विजिट करता बड़े बड़े बंदे उन्होंने सारे फोटो वगैरह लगाई हिस्टोरिकल तौर पर। सो दोस्तों आज ये आ लास्ट मूवमेंट है कि इस बहर आप उपर जाके सो बहर मस्जिद है। सो आएगा जी इतों का साइन बोर्ड, सो सामने हैगी है मस्जिद। असी पहुँच गए हैगे हाँ जी मस्जिद के बिल्कुल अंदर। सो साढ़े पिछे देखो बहुत ही वधिया माहौल है यार, किन्ना खूबसूरत मतलब कि बनाई हुई है तो किन्नी वड्डी है। सो पिछे तो तुहानू दस ही दिता पास लैना पैंदा वेला, फिर सिक्योरिटी चैकिंग है, सिक्योरिटी चैकिंग तो बाद सो ये देखो इतों से निकलना पैंदा इतों आ जिहड़ा ना आ आपां एंट्री है इतों आए हैं आपां बाहर। सो इतों और मनी है ना वो गोरे की फोटो खिंचता पे। सो बहुत ही वधिया माहौल है यार, वैसे तो चलो मुस्लिम लोगों वास्ते होंगी मस्जिद, लेकिन इतने इन्होंने सारे वास्ते बनाई है, किसी भी धर्म का कोई भी है ना बंदा आके इतने वीडियो बना सकता। सो देखो वीडियो बना सकता है, आके देख सकते हैं तुम। सो एक वधिया चीज़ हैगी है। सो जिदा साढ़े इंडिया के ताजमहल है ना उस तरीके का बनाया हुआ। मनी खिंच दी फोटो गोरे दी। दोस्तों हम आप मस्जिद के अंदर घूम रहे हैं। सो इतने बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करने पैंदे है। सो जिदा कि तुसी किसे नाल बांह च बांह पा के जां किसे नाल हाथ जोड़ के हाथ मिला के इदा बिल्कुल इतने फोटो फोटो अलाउड नहीं हैगी, कपल की भी कोई फोटो अलाउड नहीं हैगी। सो उदा वीडियो बना सकते हैं जिदा मर्जी, लेकिन दूर दूर रह के, क्योंकि देखो जी हर धार्मिक जगह के अपने अपने रूल एंड रेगुलेशन होंगे, जगह जगह सिक्योरिटी लगी होंगी। सो आ जो अंदर का एरिया पूरा सो इन्ना ब्यूटीफुल लगता पाया। सो देखो तुहाडे सामने किन्ना ब्यूटीफुल आ सारा कुछ बनाया हुआ। सो जी ये मस्जिद हैगी है जी, इतने $2 बिलियन लगे है जी, इन्ने च बनी हैगी, इन्ने पैसा लगा ये उत्ते। सो एक इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की हैगी है। सो अजक टाइम के एड्डी वीड्डी मस्जिद बनाना बहुत वीड्डी गल हैगी है। सो देखो तो बाकी ये मुस्लिम भरावाले तो हैगी हैगी, तो चलो नमाज वगैरह करते, दूसरे लोग भी इतने जा सकते हैं। सो इतने देख सकते हैं। सो देखो आबू धाबी के सब तो वड्डी मस्जिद यही है। तो देखो कितना वधिया साफ सुथरा माहौल है। तो सानू बहुत वधिया लगा इतने आए हैं यार, आप देख के वधिया लगता पाया। देखो कितना वधिया एरिया है, आ सारा बाहरला एरिया है। सो अंदर भी जाते हैं आप, अंदर भी जावे अंदर भी आ जाओ। सो आया जी अंदरला एरिया। सो जी सब तो ज़्यादा इन्हें खूबसूरती दिंदी है ना जो झूंबर लगे आ, ये तो चल इतना थोड़ा छोटा दिखता, लेकिन जो आप खुद देखो बहुत बड़ा है। सो लाइटिंग लगी है। सो इतों अंदर जावे आप। सो आ सारा बहरला एरिया। सो सामने देखो उपर कढ़ाई कड़ी पई है, क्या बात है, खूबसूरत एरिया इन्ना यार दिल खिंचता पे। मैं तो अच्छ इन्ना वधिया लगता पे ना इतने आया यार, बहुत वधिया हो गया टाइम कढ़ के आया, क्योंकि पता नहीं जिंदगी मौका मिलना कि नहीं मिलना। सो आएगा जी अंदर का एरिया जिथे ये सारे लोग अपने मुस्लिम भाईचारा इतने नमाज करते, ये मेन जगह है। सो इतने सामना एरिया पूरा। सो जो नमाज का टाइम हों इतने आ के सारे नमाज करते। तो इतने एक गल होर भी है, जिन्हें भी दुबई के शेख आ, सो कोई भी फंक्शन होंगे वड्डिया चीज़ा होंदिया मतलब कि रमज़ान होंगी है, जो होर भी ईद होंगी है। सो इतने सारे जने रल मिल के वड्डिया वड्डिया शख्सियत आदि, सो इतने नमाज पढ़ते हैं। सो ये चीज़ हैगी है जी, आ सामने अंदर वो मेन यही है, इतने नमाज करते हैं।
आ हैगा जी क्लॉक। सो ये उत्ते जो लगे पे ना पांच टाइम, सो ये नमाज का टाइम है। सो जिहड़ी जिहड़ी टाइम की नमाज होंदी है, पांच टाइम की नमाज होंदी है ना, सो उन्हां दा लिखिया होया टाइम लिखिया होया। सो किहड़े टाइम किहड़ी नमाज होंदी है वह भी ये लिखा पे, वह देखो सारा कुछ लिखा पे। ये है जी इतने के रूलर प्रेजेंट जोड़े हूँ है अल नारायण जी। तो देखो उन्होंने पिन ला के बनाई हुई है, वीडियो फोटो बनाई हुई है, ये पिना नहीं सेफ्टी पिना वो बनाई हुई है, इतनी वधिया है। देखो जी इतने पूरा फोटो लगे हैं,
ਇੱਥੇ ਦਾਬੀ ਦਾਬੀ ਦੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੀ ਆ ਪਟਨਾਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਇਮੇਜ ਵੀ ਆ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਮੋਲ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਰੀਨਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।